ये है फ्यूचर एकेडमी एसन, पहले वीजा फिर पैसे। तो वीजा कितने दिन में आया? 1 वीक में। 15 दिनों में। क्या पहले पैसे लिए गए? नहीं, वीजा के बाद। ना कौन दिए? Strive to provide a world class education to our students. Study visa पर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, तो फ्यूचर एकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको मिलेगा पहले वीजा, फिर देने होगा आपको पैसे। तो फीस रखी है हमने, वो आफ्टर वीजा ही रखी है सर। तो नवाब सर, कुछ नया लेकर क्या रहे क्या? तो मैं कहता हूँ कि डोंकी के माध्यम से बिल्कुल ना जाएं। हमारे पास बहुत से रास्ते हैं यूएसए जाने के लिए। आप स्टडी वीजा पे जाएं, टूरिस्ट पे जाएं, इवन कि वर्क वीजा पे भी आप जा सकते हैं। की फ्यूचर एकेडमी में कॉन्टेक्ट करें अगर वीजा लेना। तो भाई आज एक बार फिर फ्यूचर एकेडमी पर आए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि केक काट करके खुशी मनाई जा रही है। बच्चे हमारे साथ हैं जो यूरोप के लिए जाएंगे, नवाब सर हमारे साथ हैं, तो बच्चे से जानेंगे कि कैसा उनका अनुभव रहा। तो महकप्रीत कहाँ से है? निम्नाबाद। तो वीजा कितने दिन में आया? 1 वीक में। क्या पहले पैसे लिए गए? नहीं, वीजा के बाद। 1 वीक में आ गया। मम्मी भी साथ में। बहन जी कैसा अनुभव रहा फ्यूचर एकेडमी? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा। तो खुश है? हाँ जी, बहुत खुश है। तो बाद में पहले वीजा फिर पैसे? हाँ जी, बाद में पैसे। तो पहले वीजा फिर पैसे, ये है फ्यूचर एकेडमी असन। और भी स्टूडेंट हमारे साथ है। क्या नाम है भाई? रणदीप है। कहाँ से है? झील से। झील से? तो बड़ी दूर से आया है। झील है। ओके, और गाँव? झील है। झील है, अच्छा। तो कैसा अनुभव रहा भाई? अनुभव ठीक है, बढ़िया। कितने दिन में वीजा आया? 15 दिन में। 15 दिन में। पैसे लिए अभी? ना कौन दिए। आपका नाम? अमन बुरा। कहाँ से है अमन? बुढ़ाखेड़ा जींद। बुढ़ाखेड़ा जींद। तो कितने दिन में आया वीजा? मेरा 15 दिनों में। 15 दिनों में। हाँ जी सर। और कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा सर। तो क्या कहेंगे सभी को कि फ्यूचर एकेडमी में कॉन्टेक्ट करें अगर वीजा लेना होता? बिल्कुल, यदि आप जाना चाहते हैं स्टडी वीजा पर, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, तो फ्यूचर एकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको मिलेगा पहले वीज़ा, फिर देने होगा आपको पैसे, वो भी बहुत कम। नवाब सर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सर कैसा चल रहा है और लगातार वीज़े पर वीज़े कैसा अनुभव? सर बहुत अच्छा चल रहा है, आप सभी के संयोग से, स्टूडेंट के संयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। और यो स्टूडेंट आइल्स जब पीटी में स्कोर नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए यूरोप है, उसमें बहुत से कंट्री हैं जिनके ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसमें हम जो फीस रखी है हमने, वो आफ्टर वीज़ा ही रखी है सारी। जी जी। तो कुछ नया कुछ लेकर के आए हैं? जी नया हम लेके आए हैं, इसमें ये है कि जो कैनेडा का है, कैनेडा में हम विद स्पाउस कर रहे हैं प्लस टू पास आउट स्टूडेंट को जी। और पब्लिक कॉलेज का पैकेज दे रहे हैं विद GIC दे रहे हैं। विद GIC? जी, विद GIC पैकेज मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा है। जी जी। पीछे आप कह रहे थे भी 7वीं पास वाले ने भी भेज देंगे, वो क्या मैटर था जी? बिल्कुल सर, अंडर प्रोसेस फाइलें हैं, बहुत जल्दी आपको उनका रिजल्ट देंगे। जो 7वीं पास भी भेज दिए? तो भाई चाहे आप 6ठी पास हो चाहे 7वीं पास हो, कोई भी चाहे, मिनिमम 7वीं सर, 6ठी मिनिमम 7। भाई 7वीं पास है तो आप उड़ जाओ अपने सपनों को अपने साथ लेकर के। और यदि आप देखिए, आपको बहकाने वाले फुसलाने वाले बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े होल्डिंग लगे होंगे, लेकिन आप ऐसे स्थान पर आइएगा फ्यूचर एकेडमी असंत में नज़दीक बस स्टैंड पर आइएगा, जहां आपको बिल्कुल एक्यूरेसी मिलेगी। पहले वीज़ा दिया जाएगा, बाद में आपसे बहुत कम फीस ली जाएगी। और टीचर हमारे साथ, उनसे जानेंगे मैडम कैसा अनुभव रहता है, बच्चे आपके पास आते हैं और कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। मैं तो सभी को बोलती हूँ कि हमारी फ्यूचर एकेडमी में आएँ और स्टडी भी करें, और हम बहुत अच्छी स्टडी है बच्चों को भी देते हैं। वी स्ट्राइव टू प्रोवाइड अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टू अवर स्टूडेंट्स। सो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फ्यूचर एकेडमी में आएँ, मोस्ट वेलकम, स्टडी करें, वीज़ा लगवाएँ। थैंक यू। तो बिल्कुल इंटरनेशनल एजुकेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं फ्यूचर एकेडमी में। और फ्यूचर एकेडमी में यदि आप यहाँ आते हैं और UK आपको जाना है, कनाडा आपको जाना है, ऑस्ट्रेलिया आपको जाना है और US जाना है, तो फ्यूचर एकेडमी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो नवाब सर कुछ नया लेकर के आ रहे हैं क्या भविष्य में और भी? हाँ सर, भविष्य में हम कुछ ना वर्क परमिट्स लेके आए हैं, जैसे इसलिए यूरोप के कुछ कंट्री हैं, इवन हमें यहाँ तक कि जो कैनेडा है, कैनेडा के हम वर्क परमिट लेके आए हुए हैं, और कैनेडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो भी हम कर रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा भी आ गया? टूरिस्ट वीज़ा भी कर रहे हैं, और USA का टूरिस्ट वीज़ा भी कर रहे हैं।
मगर आपको डोंकी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी, विजिटर वीज़ा पे भी आप जा सकते हैं यूएसए के लिए। बिल्कुल डोंकी लगवाने की तो जरूरत ही नहीं, अब तो बहुत माध्यम हो गए। सर डोंकी तो कोई है ही नहीं है, वो तो मैं कहूँ कि हमारे ना जो कुछ जो गाँव वाले भाई हैं, मैं भी गाँव से ही हूँ, लेकिन पता है क्या हमारे ये माइंड सेट एक हो गया कि यूएसए के जाने का रास्ता है तो सिर्फ डोंकी है जी, और कुछ नहीं है। और हमें मतलब यहाँ से ये कह लें कि हमें कोई समझाता भी नहीं इतनी गहराई से, हमें कोई बताता भी नहीं इस मामले में, तो मैं कहता हूँ कि डोंकी के माध्यम से बिल्कुल ना जाएं। हमारे पास बहुत से रास्ते हैं यूएसए जाने के लिए, आप स्टडी वीज़ा पर जाएँ, टूरिस्ट पर जाएँ, इवन कि वर्क वीज़ा पर भी आप जा सकते हैं। तो भाई केक काट करके अपनी खुशी मनाते हुए बच्चे, तीनों बच्चे जो है जाएँगे स्टडी वीज़ा पर, और इससे मैं आप देख सकते हैं कि ये बच्चे बहुत खुश हैं और फ्यूचर एकेडमी के साथ इन्होंने अपना भविष्य साकार किया है, तो अपने फ्यूचर को शिकोर करें। तो सर हमारे साथ हैं, सर क्या नाम है जी? मेरा जय नाम है। कैसे कैसा अनुभव रहता है सर? बहुत बढ़िया अनुभव रहता है सर, मैं एक डेढ़ साल से काम कर रहा हूँ सर के साथ, तो बहुत बढ़िया अनुभव है, और जितने भी वीजे अप्लाई करे सभी के सभी आए हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और वीजा लगने के बाद पैसे ले रहे हैं, कोई मतलब फ्रॉड वाला कोई मैटर नहीं है। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि मैं सभी बच्चों से कि एक बार आएँ और विजिट करें और एक बार मिलके देखें और बात करें, और अपना जो वीज़ा जिस भी देश में जाना तो उसके बारे में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी तरह का कोई फ्रॉड जो है आपके साथ नहीं किया जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। फ्यूचर अकेडमी असंध में नवाब सर के साथ आप जुड़ जाइए, नीचे नंबर दिया हुआ है, संपर्क करें, अपने सपनों को साकार करें, एजुकेशन बेस पर बाहर जाएं, डोंकी बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि देखिए आप अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बहुत जो है ज़रूरी है, लेकिन डोंकी का कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कई बार हम आपको नहीं दिखा पाते। तो एजुकेशन बेस पर जाइएगा इंटरनेशनल लेवल पर, और टूरिस्ट जी टूरिस्ट बेस पे जाइए सर, वर्क भी, इवन की काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो भी वर्क भी ऑफर कर रहे हैं, काफ़ी वैकेंसीज हैं, जैसे प्लम्बर की वैकेंसीज हैं हमारे पास, ट्रक ड्राइवर्स की वैकेंसी हैं, फार्मर वर्कर हैं, जो फार्म वर्कर हैं उनकी भी वैकेंसीज काफ़ी आई हुई हैं। बहुत बढ़िया, तो ये है फ्यूचर अकेडमी असंध, बने रहिएगा, तस्वीर को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दिए हुए नंबर पर से जल्द जो है आप संपर्क कर लें यदि आप जाना चाहते हैं स्टडी बेस पर बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया।